वी ऑल नो दैट सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. इट हैज ऑल द बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू सपोर्ट लाइफ, जैसे कि एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, डिस्टेंस फ्रॉम सन, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स हमेशा क्यूरियस रहते हैं टू फाइंड अ प्लेनेट जो अर्थ के सिमिलर है एंड ऑफकोर्स लाइफ को सपोर्ट करता हो. To this date, अभी तक मोर देन 4,000 planets discover हो चुके हैं. कुछ planets जो Earth के size के similar भी हैं, but all of them are either rocky and of course without life. But astronomers ने finally एक ऐसा planet ढूंढ निकाला है जो exactly Earth जैसा दिखता ही नहीं है. There is something more than that this time. आप देख रहे हैं सेल्वी लर्निंग एंड आइए देखें आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन ऑन सुपर अर्थ, एक ऐसा प्लेनेट दैट हैज पोटेंशियल और प्रोबेबली हैज लाइफ ऑन इट. साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स ने फाइनली एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ निकाला है जिसको उन्होंने नाम सुपर अर्थ दिया है. नाउ देयर आर सम रीजंस टू दिस नेम. ये प्लेनेट सबसे पहले तो काफी सिमिलर है टू द अर्थ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस साइज बिकॉज वो सब कुछ तो काफी अलग है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्लेनेट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है एंड वो भी ऑलमोस्ट सेम पोजीशन जिसमें अर्थ भी रिवॉल्व करती है. एस्ट्रोनॉमर सेज कि ये सुपर अर्थ अप्रोक्सीमेटली वीनस एंड अर्थ के बीच में रिवॉल्व करता है अगर हम अपने सिस्टम से कंपेयर करें तो. सो अभी तक के 4000 प्लैनेट्स में ये ऑर्बिट का होना प्लस इतना सूटेबल डिस्टेंस सिर्फ एक या दो प्लैनेट में ही है. सुपर अर्थ के स्टार्स प्रोबेबली ब्राउन ड्वार्फ और फेल स्टार है. दैट इज एक स्टार जिसका मास जुपिटर से अप्रोक्सीमेटली 13-85 टाइम्स ज्यादा है. इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द प्लैनेट इज दैट इसका मास अर्थ से 4 टाइम्स ज्यादा है एंड उसे अराउंड 617 डेज लगते हैं टू कंप्लीट वन सर्कल, जबकि इसका ऑर्बिट वीनस एंड अर्थ के बीच में ही है. दैट इज व्हाई साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स कॉल्ड इट एज एन सुपर अर्थ. साइंटिस्ट आर सेइंग दैट ये डिस्कवरी 1 in a million है. ये स्टार हमारी अर्थ से 25,000 लाइट ईयर्स अवे है एंड ये प्लेनेट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ गैलेक्सी में सिचुएटेड है. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द गैलेक्सीज. सुपर अर्थ गैलेक्टिक बल्ब सिस्टम के अंदर है, लाइक हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं ना, उस टाइप. ये प्लेनेट एक स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है जिसका मास ओनली 0.12 टाइम ज्यादा है व्हेन वी कंपेयर इट टू सन. इस सुपर अर्थ को ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग के मेथड से ढूंढा गया है एंड दैट टू इट वाज एक्सीडेंटल और बाय लक. आप इमेजिन करो टू स्टार्स को एक दूसरे के आगे पीछे एंड देन एस्ट्रोनॉमर्स दैट आर लुकिंग इनसाइड द स्पेस. जब पीछे वाला स्टार लाइट को एमिट करता है, आगे वाला स्टार उस लाइट को बेंड करता है एंड वो लाइट उस स्टार के आगे चली जाती है. नाउ लाइट बेंड्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ आगे वाले स्टार की वजह से एंड हेंस सिंस ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑब्जर्विंग दी स्टार्स थ्रू माइक्रोलेंस, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग. साइंटिस्ट इस प्लैनेट का टेम्परेचर अभी पता नहीं लगा पाए हैं एंड ना ही वेदर इट हैज एन एटमॉस्फेयर और नॉट एंड इवन लाइफ और नॉट. They say they are still working on it since distance more than 25,000 light year away है. ये काम थोड़ा सा मुश्किल है. So आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.